हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाय प्रीति से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लक्ष्मी जी के चरण बनाना बता रही हूँ। लक्ष्मी जी के चरण सुंदरता और आध्यात्मिकता का संगम होता है। लक्ष्मी जी के चरण घरों में समृद्धि लाए, इसके लिए लोग दीपावली से पहले सुंदर लक्ष्मी जी का चरण बनाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हो, आपने यदि चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें थर्माकोल। थर्माकोल आप कोई सामान मंगवाएंगे तो उसमें पैकिंग में इस तरीके का थर्माकोल ज़रूर आता है। यदि इस शेप का नहीं आ रहा है, यदि आपके पास थर्माकोल नहीं है, तो आप हैं इसमें सिल्वर सीट जो होती है किचन में यूज़ करने वाली, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको मोड़ करके इस तरीके का शेप दे सकते हैं। मैं थर्माकोल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरी क्ले से भी बना सकते हैं। क्ले से थोड़ा सा भारी हो जाता है, इसलिए थर्माकोल या सिल्वर शीट का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप कट करके धीरे धीरे इसमें पैर का शेप देना है और बिल्कुल बराबर एक साथ दोनों पैर आए, इसलिए दोनों पैरों का एक साथ रख करके कर लेना है। अब मैं ले रही हूँ पेपर मैसी क्ले। आप चाहे तो बाज़ार में बिकने वाली क्ले आती है जो बाज़ार में रेडीमेड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये होममेड क्ले है, पेपर मैशी क्ले। तो इसको इस तरीके से बेलने के बाद मैं कट कर करके इसके ऊपर लेयर बनाती जाऊंगी और पानी की हेल्प से इसको चिकना करती जाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में पेपर मैशी क्ले कैसे बना सकते हैं घर में मैं बताऊंगी। थर्माकोल को इस क्ले से पूरा कवर कर लेना है और पानी की हेल्प से इसको चिकना कर लेना है। अब इनकी फिंगर बनाने के लिए इस तरीके से फिंगर का आप शेप देंगे। आप चाहें तो क्ले से अलग से फिंगर लगा करके यदि और इसमें चिपका करके शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पेपर मैशी क्ले ली थी, इसीलिए मैं केवल इस तरीके से टूल से कर रही हूँ। आपके पास ये टूल नहीं है तो नाइफ़ घर में जो यूज़ होती है उससे आप फिंगर का शेप दे सकते हैं। अब उसी तरीके से दूसरे चरण को भी हमको कवर कर लेना है। थर्माकोल में पहले फेविकोल अच्छी तरीके से लगा लेना है, फिर ये क्ले का जो रोटी टाइप की बनाई है उसको चिपकाना है और फिर इसको पानी की हेल्प से स्मूथ कर देना है। इस तरीके से नेल्स का कट कर लगा देना है, नेल्स का शेप दे देना है। आप चाहें तो पंजे बड़े कर सकते हैं और जो ऊपर का पोर्शन है थोड़ा छोटा कर सकते हैं।
अब इस तरीके से रोल करने के बाद हम इनको पायल पहनाएंगे और बिछिए पहनाएंगे, जो ज्वेलरी होती है वो इसी क्ले से इनको पहनाएंगे। फ्रेंड्स ये रेडी हो गए हैं दोनों पैर। अब मैंने एक दीपक लिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट क्ले से दीपक बना सकते हैं। मैंने दीपक के ऊपर ये क्ले को कवर करके दिए को डेकोरेट किया है। अब जो दिए को फेविकॉल लगा करके इसके ऊपर चिपका देना है। ये दोनों चरण रेडी है। अब एक कार्डबोर्ड को गोल काट लेंगे, जो शेप आपको चाहिए हो उस तरीके से आप गोल भी कर सकते हैं, चौकोर भी कर सकते हैं। मैंने गोल किया है। फेविकॉल लगा कर के चरण को इसमें चिपका देना है। चरण रेडी हो गए हैं। अब हमने जहाँ दिया लगाया है वहाँ पर जो कट है वो छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए इसको मैं यहाँ पर बेल टाइप की लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कंप्लीट होने के बाद इसमें लेस भी लगा सकते हैं, पर मैंने क्ले से ही इसको बनाया है। अब मैं इसमें डिजाइन बना रही हूँ। क्ले में डिजाइन बनाने पर पेंट करने में काफ़ी सुंदर लुक आता है, इसलिए इसको प्लेन ना छोड़ के इसमें डिज़ाइन ज़रूर बनाएं। अब कार्डबोर्ड को आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर क्ले की ही बेल्ट लगा करके इसको चिपका रही हूँ। इस तरीके से इसको पानी की हेल्प से चिकना कर लेना है। अब ये सूख गए हैं। सूखने के बाद मैं सैंड पेपर से इसको थोड़ा चिकना करूँगी, जैसे कि ये देखने में सही लगे और पेंट करने में परेशानी ना हो। बिल्कुल इसको इवन कर देना है। फ्रेंड्स मैं इसमें स्प्रे पेंट कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, या आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कीजिए। इसके बाद जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी लास्ट में और ज्वेलरी को गोल्ड कलर से फिल कर दूँगी।
ये दिया के ऊपर भी मैं गोल्ड कलर कर दे रही हूँ, जिससे कि अच्छा लुक आए। फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर आप डेकोरेशन कर सकते हैं जो आप चाहें, जैसे कि मैंने इसमें बिछिए वगैरह पहनाए हैं, आप इसमें नंग भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसकी जो नीचे थाली टाइप की मैंने बनाई थी उसमें मैंने फ्लावर चिपका दिए हैं और मोती भी एक लगा दिया है। अब ये लक्ष्मी पूजन के दिन के लिए, दिवाली के दिन के लिए मैंने इसको बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैंडल लगा दी है। लेकिन जहाँ पर कैंडल लगी है वहाँ पर बत्ती लग कर के दिया जलता है। तो आप इस तरीके से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, या जैसा आपको पसंद आए वो डेकोरेशन आप इसमें कर सकते हैं। आप चाहे तो जो नेचुरल फूल होते हैं, ओरिजिनल फूल होते हैं, उस दिन वो फ्लावर लगा करके भी इस लक्ष्मी चरण को डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।